हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में इंडियन आर्मी से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और इंडियन आर्मी की हिस्ट्री को कवर किया था। हमने वहाँ से पॉइंट्स कवर किए हैं जहाँ से शुरुआत होती है इंडियन आर्मी की, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। आज की हमारी इस वीडियो में हम इंडियन एयरफोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है भारतीय वायुसेना। अब यहाँ पर किस तरीके से भारतीय वायुसेना की शुरुआत की गई थी, ये एक सिक्योरिटी फोर्स है इंडिया की, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी और क्या क्या मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडियन एयरफोर्स द्वारा शुरू किए गए हैं, और कौन कौन से ऐसे वेपन्स हैं या फिर ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स कवर कर रही है, इन सभी पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती है। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। द इंडियन एयरफोर्स इज द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि भारतीय वायुसेना पूरे विश्व में फोर्थ लार्जेस्ट सिक्योरिटी फोर्स में से एक है। द इंडियन एयरफोर्स इज द एयर विंग ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्स, यानी कि जो इंडियन एयरफोर्स है, भारतीय वायुसेना है, वो इंडियन आर्म्ड फोर्स की एयर विंग है। इंडियन आर्म्ड फोर्स, हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पहली है इंडियन आर्म्ड फोर्स और दूसरी है सेंट्रल आर्म्ड फोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, ये सभी इंडियन आर्म्ड फोर्स के अंदर आते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स को इंडियन आर्म्ड फोर्स का एयर विंग कहा गया है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर द इंडियन एयर स्पेस एंड टू एंगेज इन एरियल वॉरफेयर ड्यूरिंग अ कॉन्फ्लिक्ट। इसका पूरा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि ये एयर स्पेस को, इंडियन एयर स्पेस को मेंटेन करे, एरियल वॉरफेयर के साथ एंगेज रहे। इंडिया एयरफोर्स इज द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर द यूएसए, चाइना एंड रशिया, यानी कि पहले सब फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, यूएस, चाइना, रशिया के बाद फोर्थ लार्जेस्ट है इंडिया, इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स ऑन द भारतीय वायुसेना वॉज इनिशियली स्टेब्लिश ऑन एन ऑक्सिलरी एयरफोर्स यूनिट ऑफ अ रॉयल एयरफोर्स ऑफ ब्रिटेन। भारतीय वायुसेना का स्टेब्लिशमेंट यहाँ पर उसी समय से हुआ था जब यहाँ ब्रिटेन की एयरफोर्स थी। द टाइटल रॉयल वॉज गिवन टू द एयरफोर्स इन द ऑनर ऑफ इंडियाज एविएशन सर्विस ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, यानी कि यहाँ पर जो एयरफोर्स थी उसे रॉयल एयरफोर्स का टाइटल वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पर दिया गया था, जब इंडिया को उसमें ड्रैग किया गया। द नेम्ड रॉयल एयरफोर्स वॉज केप्ट अंटिल इंडिया हैड डोमिनियन स्टेटस। ये रॉयल शब्द का इस्तेमाल एयरफोर्स के लिए तब किया गया था जब इंडिया एक डोमिनियन स्टेटस प्राप्त देश था। एज द गवर्नमेंट ट्रांजिशन टू अ रिपब्लिक इन 1950, द प्रीफिक्स रॉयल वॉज रिमूव। आगे चल के जब 1950 में यहाँ पर भारत एक रिपब्लिक हो गया और यहाँ पर उसका खुद का संविधान बन गया, तो यहाँ पर जो रॉयल शब्द था एयरफोर्स में से, वो हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स उसको नाम कर दिया गया था। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड द रैंक ऑफ सुप्रीम कमांडर ऑफ कमांडर इन चीफ ऑफ द AIAF। इंडियन एयरफोर्स की जो सुप्रीम कमांडर या फिर कमांडर इन चीफ होते हैं, वो होते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द ऑपरेशनल कमांडर ऑफ द एयरफोर्स लाइज विद द चीफ ऑफ एयर स्टाफ। लेकिन यहाँ के जो ऑपरेशनल कमांडर होते हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ इन्हें कहते हैं, जैसे कि हमने देखा था चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, वैसे ही यहाँ पर होते हैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ये हेड होते हैं। एयर चीफ मार्शल होते हैं जो कि फोर स्टार ऑफिसर होते हैं। ये याद रखिएगा कि जो एयर चीफ मार्शल है वो फोर स्टार ऑफिसर होते हैं एंड चीफ ऑफ एयर स्टाफ थ्री स्टार ऑफिसर होते हैं। द रैंक ऑफ मार्शल ऑफ द एयरफोर्स इज अ फाइव स्टार रैंक। अब यहाँ पर जो मार्शल होते हैं, तो मार्शल ऑफ द एयरफोर्स की फाइव स्टार रैंक होती है एंड हैज बीन कन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन वन ओकेशन हिस्ट्री टू अर्जन सिंह।
The motto of the IAF is Nivaha Sparsham Liptam, which is taken from the Bhagavad Gita and means to touch the sky with glory. यहाँ पर एक मोटो होता है हर सिक्योरिटी फोर्स का या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्लोगन आपने सुना होगा, आर्मी का भी है. उसी तरीके से भारतीय वायुसेना का भी एक मोटो है, उसके लोगों पे जो लिखा रहता है नपः स्पर्शम दीप्तम. इसका मतलब होता है, ये जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है, ये शब्द भगवद गीता से लिया गया है और इसका मतलब होता है टच द स्काई विथ ग्लोरी, यानी कि आसमान को छूना ग्लोरी के साथ. इसका मतलब ये होता है और ये भागवत गीता से शब्द लिया गया है. सिंस 1950 द इंडियन एयरफोर्स हैज बीन अ पार्ट ऑफ फोर वार विद पाकिस्तान. 1950 तक यहाँ पर जो इंडियन एयरफोर्स थी उसके यहाँ पर पार्ट ऑफ फोर अलग अलग पार्ट में वो विभाजित थी पाकिस्तान के साथ. They have also played important role in other major operations like Operation Vijay, Operation Meghdoot, Operation Cactus and Operation Pumalai. In sabhi mein Bharatiya Vayu Sena ne apna yogdan diya hai. The engages on international and humanitarian levels in a national interest by participating in UN peacekeeping mission. UN ke peacekeeping mission mein bhi Indian Air Force ne participate kiya tha. Ab Indian Air Force ki history kya hai? तो IAF was originally established in October 1932. इसका establishment कब हुआ था? 8 October 1932 को. As an auxiliary army, जिसका नाम था Royal Air Force of Britain, Lord Royal Air Force of Britain. And this was stipulated by Indian Air Force Act of 1932. आगे चलकर इसका नाम Indian Air Force रख दिया गया था, लेकिन पहले इसका नाम Royal Air Force of Britain था. The first aircraft flight came into being on 4th April 1933 और पहली जो एयरक्राफ्ट फ्लाइट थी वो 1 अप्रैल 1933 को उसने उड़ान भरी थी. When its first squadron of four Westland Rapid Airplanes was commissioned, it included 5 Indian pilots led by a British officer. इसमें 5 इंडियन पायलट्स थे और एक ब्रिटिश ऑफिसर थे. During World War II, the Indian Air Force played a key role in stopping the Japan advance in Burma. Arjun Singh was a flight lieutenant during this mission and went on to become India's first and only Marshal of the Air Force. अब यहाँ पर World War II के time पर Indian Air Force ने एक key role play किया था Japanese को रोकने के लिए. यहाँ पर जो Arjun Singh थे वो यहाँ के फ्लाइट ल्यूटेनेंट थे इस मिशन के दौरान और ये इंडिया के पहले और इकलौते मार्शल बने एयरफोर्स के. 1943 में द फर्स्ट फ्लाइंग स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन अंबाला. पहला फ्लाइंग स्कूल यानी कि इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग देने के लिए 1943 में अंबाला में एक स्कूल यहाँ पर स्थापित किया गया था. ये क्या करना चाहते थे, ये इंडियन एयरफोर्स पायलट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे थे. IAF after independence, ये तो before independence की बात हो गई, लेकिन Indian Air Force आगे चलकर और भी developed हुआ independence के बाद. Immediately after independence, during partition, the Royal Indian Air Force provided effective logistic support and transport to Indian troops, but there was no direct air-to-air combat with the Pakistani Air Force. आगे चलकर भारतीय वायुसेना ने और भी कई तकनीकें यहाँ पर establish की, लेकिन उनका पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ यहाँ कोई भी एयर कॉम्बैट नहीं रहा. 1960 में इंडियन एयरफोर्स एक्टिवेटेड द नंबर 5 स्क्वाड्रन टू सपोर्ट द यूनाइटेड नेशन ऑपरेशन. यहाँ पर 1960 में इंडियन एयरफोर्स ने नंबर 5 स्क्वाड्रन को एक्टिवेट किया था यूनाइटेड नेशन ऑपरेशन का सहयोग करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए. When Belgium's 75 years rule ended abruptly causing widespread violence. जहाँ पर बेल्जियम का 75 years का rule जो है उसको तोड़ दिया गया था कुछ हिंसा की वजह से, तो यहाँ पर United Nations का support किया था इंडिया ने. 1961 में Indian Air Force played a very important role in the annexation of Goa from the Portuguese. यहाँ पर जब पोर्तुगीज गोवा में आ गए थे 1961 में, तो उन्हें यहाँ से निकालने के लिए भी इंडियन एयर फोर्स ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था जिसका नाम था ऑपरेशन विजय, वेयर IAF प्रोवाइडेड सपोर्ट टू द ग्राउंड फोर्स. यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने अपना सहयोग दिया था ग्राउंड फोर्स यानी कि आर्मी को.
1962 में ड्यूरिंग द साइनो इंडियन वार ऑफ 1962 इंडिया एंडेड अप लूजिंग सिग्निफिकेंट चाइनीज एज द मिलिट्री प्लानर्स फेल्ड टू इफेक्टिवली यूज ऑफ आईएएफ। 1962 में यहाँ जब साइनो इंडियन वार हुई थी तब भी यहाँ पर कुछ हद तक आईएएफ ने लड़ाई की थी चाइनीज मिलिट्री के खिलाफ, लेकिन यहाँ पर वो उतने अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाए। 1965 में आईएएफ एमर्ज्ड टू द एनिमी एयरफोर्स क्वाइट इफेक्टिवली ड्यूरिंग द इंडो पाक वार ऑफ 1965। यहाँ पर इंडो पाक वार हुई थी, सेकेंड कश्मीर वार, यहाँ भी इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुल रही थी। द इंडियन एयरफोर्स चेंज टू इम्प्रूव इट्स कैपेबिलिटीज आफ्टर 1965 वार, लेकिन 1965 की वार के बाद यहाँ इंडियन एयरफोर्स ने बहुत इम्प्रूवमेंट किया अपनी कैपेबिलिटीज में। द पैरा कमांडोज रेगिमेंट वॉज क्रिएटेड 1966 टू इंक्रीज इट लॉजिस्टिक सप्लाई एंड रेस्क्यू ऑपरेशन एबिलिटी। उसने अपने रेस्क्यू ऑपरेशन एबिलिटी को और लॉजिस्टिक सप्लाई चेन को भी काफ़ी मेनटेन किया। इंडिया स्टार्टेड टू पुट मोर स्ट्रेस ऑन द इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फाइटर्स एयरक्राफ्ट। यहाँ पर इंडिया ने कुछ ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दी जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। और यस, अभी यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट शुरू भी हो चुका है और कई ऐसे फाइटर्स भी इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। 1971 ड्यूरिंग द इंडो पाक वार ऑफ 1971 और द बांग्लादेश लिबरेशन वार। यहाँ पर 1971 में इंडो पाक वार हुई थी और बांग्लादेश लिबरेशन वार हुई थी, वहाँ भी इंडियन एयरफोर्स ने अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और बहुत सपोर्टिव दिखाई दी थी। आईएएफ कैरिड आउट न्यूमरस सॉर्टीज एंड इवन सपोर्टेड द इंडियन नेवी इन द वे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। यहाँ पर एयरफोर्स ने नेवी को सपोर्ट किया था वे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में अपने मिशन को कम्प्लीट करने के लिए। आफ्टर 1971 वार विद पाकिस्तान द आईएएफ रिसीव द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ गैलेंट्री इन इंडिया, द परमवीर चक्र, विच वॉज अवार्डेड पोस्टह्यूमसली टू फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखोन। 1971 के बाद यहाँ पर पाकिस्तान के साथ लड़ाई के बाद आईएएफ ने पहली बार, यानी इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार भारत का गैलेंट्री अवार्ड जीता था, परमवीर चक्र। और वो परमवीर चक्र किसे दिया गया था? परमवीर चक्र दिया गया था ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखोन को। 1984 में इंडिया लॉन्च ऑपरेशन मेघदूत। 1984 में यहाँ इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत की थी। उसका उद्देश्य ये था कि जो साइचन ग्लेशियर्स थे कश्मीर रीजन में उसको यहाँ पर कैप्चर करना इसका उद्देश्य था। तो ऑपरेशन मेघदूत, आईएएफ MI-8 चेतक, चीता हेलीकॉप्टर्स एयरलिफ्टेड हंड्रेड्स ऑफ इंडियन ट्रूप्स टू साइचन। यहाँ पर चीता हेलीकॉप्टर्स और चेतक हेलीकॉप्टर्स की मदद से यहाँ पर इंडियन ट्रूप्स एयरलिफ्ट किया गया था। 1987 में ऑपरेशन कुमलई और ईगल मिशन 4 चलाया गया था, वॉज द कोड नेम असाइंड टू अ मिशन अंडरटेकन बाय द आईएएफ। ये कोडेड मिशन था फॉर एयर ड्रॉपिंग सप्लाईज ओवर द बिगेस्ट टाउन ऑफ जफना इन श्रीलंका, सपोर्ट द तमिल टाइगर ड्यूरिंग द श्रीलंका सिविल वार। यहाँ पे श्रीलंका सिविल वार में यहाँ पे श्रीलंका को सपोर्ट किया था इंडिया ने इस मिशन के द्वारा। ऑपरेशन पवन चलाया था, ये ऑपरेशन एयरफोर्स द्वारा चलाया गया था। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो कि नॉर्थ और ईस्ट श्रीलंका में थी उसको सपोर्ट करने के लिए। 1988 में आईएएफ आल्सो प्रोवाइडेड सपोर्ट टू द मालदीव्स इन ऑपरेशन कैक्टस। यहाँ पर मालदीव्स का सपोर्ट किया था इंडियन एयरफोर्स ने। 1999 में ऑपरेशन सफ़ेद सागर एज द एयर ऑपरेशन इन द कारगिल एरिया। कारगिल एरिया वर कॉल्ड एज वॉज अ माइल स्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री एविएशन, यानी कि कारगिल का युद्ध जो है उसके बारे में तो सभी जानते होंगे। तो ये उस समय में यहाँ ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया गया था, एज दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट एयर पावर वॉज एम्प्लॉयड इन सच एन एनवायरमेंट। ये पहली बार हुआ था जब एयर पावर ऐसे एनवायरमेंट में काम कर रहा था। आफ्टर कारगिल कॉन्फ्लिक्ट आईएएफ हैज बीन एक्टिवली गार्डिंग द इंडियन एयर स्पेस एंड न्यूमरस इवेंट्स हैव बीन रिकॉर्डेड ऑफ देयर प्रोफिशिएंसी। कारगिल युद्ध के बाद भी यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स में कई ऐसे रिकॉर्ड्स रहे हैं और कई ऐसे इवेंट्स रहे हैं जहाँ भारतीय वायुसेना ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिया। 2019 में द बालाकोट एयर स्ट्राइक, यहाँ पर बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी पुलवामा अटैक के बाद बाय जैश ए मोहम्मद, किलिंग 46 सीआर
PF personnel. A group of 12 Mirage aircraft carried out attacks on the GM campus in Pogan, Palakut. यहाँ पर जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके बारे में भी आपने सुना होगा, 2019 का पुलवामा अटैक, तो उसके भी एवज में यहाँ पर एयर स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई थी, वो भी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ही की गई। द पाकिस्तानी एयरफोर्स रिटेलिएटेड आफ्टर द बालाकोट एयर स्ट्राइक एंड ड्यूरिंग द स्टैंड ऑफ IFMIG 21 पायलट अभिनंदन वर्धमान वॉज कैप्चर्ड बाई पाकिस्तान एंड ही वॉज लेटर रिलीज एज पर द 3rd जनेवा कन्वेंशन ऑब्लिगेशन। इसी एयर स्ट्राइक के बाद यहाँ पर, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद यहाँ पर जो मेन पायलट थे IFMIG 21, उस प्लेन का नाम है MIG 21, तो उसके जो मेन पायलट थे अभिनंदन वर्धमान, उनको यहाँ पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया था, लेकिन बाद में उन्हें रिलीज करवा लिया गया था भारत के द्वारा। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंडियन एयरफोर्स, अब इंडियन एयरफोर्स के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में जान लेते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम द नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी को छोड़कर, क्योंकि नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वो तो एयरफोर्स, नेवल और इन सभी के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कुछ एयरफोर्स एकेडमीज है, जैसे डिंडीगुल, द पायलट ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट इलाहाबाद में है, द इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन बेंगलोर में है, द एयर फोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बतूर में है, द एयर फोर्स टेक्निकल कॉलेज बेंगलोर, द पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल एट आगरा एंड द टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट एंड डिफेंस एस्टैब्लिश एट ग्वालियर। तो ये भी कुछ इंडियन एयरफोर्स से रिलेट ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट कह सकते हैं जो कि यहाँ पर इसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। नेशनल डिफेंस अकेडमी तो है ही, क्योंकि नेशनल डिफेंस अकेडमी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सभी की ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। जो भी डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन सभी की ट्रेनिंग हमें यही मिलती है, लेकिन इसके अलावा भी बेंगलोर, इलाहाबाद, ग्वालियर, कोयम्बतूर, इन सभी जगहों पे ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स और इंस्टीट्यूट्स भी खोले गए हैं। IF इन्वेंट्री, द IF इन्वेंट्री इंक्लूड सेवरल एयरक्राफ्ट। इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री में बहुत सारे एयरक्राफ्ट हैं। फर्स्ट है MIG सीरीज है, दूसरा है स्क्यूज SU-30, हॉल तेजस, सेपिकेट, जैगोर, बोइंग 707, एल्यूशियन सीरीज हेलीकॉप्टर लाइक इंडिजिनस डेवलप, हॉल ध्रुव, अनमैंड एरियल व्हीकल। तो इस तरह के कई सर्वेलेंस मिसाइल्स हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स में पाई जाती हैं। उसमें से MIG सीरीज काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि जो एयर स्ट्राइक है उसके लिए भी MIG सीरीज ही यूज़ की गई। डिसॉल्ट राइफल इज द लेटेस्ट एडिशन टू इंडियाज एयरक्राफ्ट, यानी कि जो डेसॉल्ट राइफल्स हैं ये लेटेस्ट एडिशन हैं इंडियन एयरक्राफ्ट में। इसके अलावा इंडिया ने एक डील भी साइन की हुई है 36 डेसॉल्ट राइफल्स की, October 2021 में राइफल फाइटर्स आर इन सर्विस विद द इंडियन एयरफोर्स, जिससे कि 29 राइफल फाइटर जो है वो इंडियन एयरफोर्स की सर्विस ज्वाइन कर सके। The Air Force Network, a robust digital information grid that enabled quick and accurate threat response, was launched in 2010. यहाँ पर Air Force Network जो एक digital information grid है उसे, जो कि quick response देता है किसी भी परेशानी में भी, उसे 2010 में launch किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि यहाँ पर एक truly air network के जरिए लोगों की मदद करना। AFNET is a secure communication network, यानी कि ये जो एयर फोर्स नेटवर्क है ये एक सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कि कमांड्स को लिंक करता है कई ऐसे कंट्रोल सेंटर से। ये सेंसर्स प्लेटफॉर्म का यूज करता है, ग्राउंड मिसाइल बैटरीज का यूज करता है, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करता है, एंड ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है जो कि एयर डिफेंस ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए कमांड्स पहुंचाना भी बहुत आसान रहता है और कम्युनिकेशन भी काफ़ी ज़्यादा इजी बन जाता है द एयर फोर्स नेटवर्क के द्वारा। तो यहाँ एयर फोर्स भी एक तरह का नेटवर्क है जिसके द्वारा नोट कमांड्स या कंट्रोल सभी कुछ कम्युनिकेट किया जा सकता है, और ये रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। इसके अलावा एयर फोर्स डे मनाया जाता है हर वर्ष 8 अक्टूबर को, क्योंकि इसी दिन इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1932 में, 8 अक्टूबर को से शुरुआत हुई थी इंडियन एयरफोर्स की, तो इसीलिए हर वर्ष 8 अक्टूबर को ही एयरफोर्स डे
मनाया जाता है, यानी कि भारतीय वायुसेना दिवस। तो यहाँ हमने इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है और उसकी हिस्ट्री को भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि किस तरीके से यहाँ भारतीय वायुसेना का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, क्या क्या मेजर ऑर्गेनाइजेशन हैं और क्या क्या मेजर ऐसी लड़ाइयाँ हैं या वार्स हैं जिनमें इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया, और ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि अपना बेहतरीन प्रदर्शन भी यहाँ पर किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।